हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का साइंस क्लास में। जैसा कि फंगी और एल्गी हो गया था, प्रोटोजोआ में भी कुछ कुछ बता दिए थे। जैसा कि प्रोटोजोआ यूनिसेलुलर एनिमल होता है, ये अपना खुद अपना फूड अपने से नहीं बना पाता है क्योंकि ये हेटरोट्रॉपिक होता है और ये हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन को फॉलो करता है। जैसे उसका एग्जाम्पल हो गया अमीबा पैरामीशियम और टाइशनोकोमा प्लाज्मोडियम, ये था प्रोटोजोआ का। आज पढ़ते हैं हम लोग वायरस का। वायरस क्या होता है? स्मॉल माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है। ये बैक्टीरिया से भी छोटा होता है, ये बैक्टीरिया से भी बहुत छोटा होता है। इसमें सेल ऑर्गेनेल्स भी नहीं प्रेजेंट होता है, ये कोई सेल भी नहीं होता है। जनरली ये प्रोटीन से सराउंडेड होता है, एक तरह का जेनेटिक मटेरियल होता है जो कि प्रोटीन से सराउंडेड है। इसमें ये मल्टीप्लाई हो जाता है, अपने से टूटते जाता है, बहुत सारे भाग में टूट करके ये बढ़ता है। वायरस इसी तरह से फैलता है, बहुत सारे भागों में टूटते चला जाता है और ये उस तरह से बढ़ता है। और फॉर दिस दे इंटर लिविंग हॉस्टेल आउटसाइड द वायरस डज नॉट शो एनी कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग। जैसे उस तरह से वो बढ़ेगा, जैसे कि वायरस में आप देख सकते हैं जैसे इन्फ्लुएंजिया बैक्टेरियोफेज, ये क्या होता है, एक तरह का प्रोटीन होता है, इसमें फैट्स भी पाया जाता है और ये उसी तरह से फैलता है है और इसका इंक्रीज होने का प्रोसेस बहुत हाई रहता है। द वायरस डज नॉट शो एनी कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग थिंग्स, दे डू नॉट फीड, रेस्पायर, एक्सक्रीटेड, ग्रो और मल्टीप्लाई। और इसको ये बढ़ता नहीं है, एक्सक्रीट नहीं होता है, रेस्पायर नहीं कर सकता है, ये खाना कुछ नहीं खाता, नो फीड। इसीलिए देख सकते हैं कोरोना वायरस कितना तेज़ी से बढ़ रहा है, वही ये टूटते चला जाता है, डैट इज़ ये बढ़ता नहीं है, ये जनरली टूटते टूटते उतना भागों में बढ़ जाता है और उसी तरह से फैल जाता है, अपना अपना शेप लेते जाता है। जिस तरह से अमीबा देख सकते हैं, अमीबा तो खैर की वो हो गया, क्या बोला जाता है, वो तो बैक्टीरिया हो गया। और इसमें हम लोग देख नहीं रहे, अमीबा एल्गी हो गया। जैसे कि और एक देखते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म अब कहाँ रहते हैं। इतना तो हो गया वायरस में, बहुत छोटा सा टॉपिक है वायरस। नेक्स्ट टॉपिक ये है होस्ट सेल क्या होता है। होस्ट सेल और लिविंग सेल है इन्वेडेड बाय कैपेबल ऑफ बीइंग इन्वेडेड बाय इन्फेक्शियस एजेंट, इज कॉल्ड होस्ट सेल। होस्ट सेल सेल ये हो गया जो कि किसी इन्फेक्शियस एजेंट से इन्वेडेड होते, इन्वेडेड मतलब हार जाना, ये होता है। और आते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म जनरली रहता कहाँ है। जेनेटिक मटेरियल वैसा है जो उसमें न्यूक्लियस में फॉर्म होता है, इंपॉर्टेंट रोल का फॉर्मेशन करता है, इनहेरिटेंस ऑफ कैरेक्टर यानी ट्रांसफ़र ऑफ कैरेक्टर टू दियर ऑफस्प्रिंग। जैसे जेनेटिक मटेरियल वह मटेरियल होता है जो उसके जैसे पेरेंट्स से उसके ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफ़र होता है, यही हो गया जेनेटिक मटेरियल। इसी जेनेटिक मटेरियल्स को सराउंड किया रहता है प्रोटीन वायरस में। और देखते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म आखिर रहते कहाँ हैं। एयर, वाटर, सॉयल सब जगह रह सकते हैं आराम से, किसी सरफेस पे आराम से रह सकते हैं, लिविंग बॉडी पे आराम से रह सकते हैं, इनसाइड एनिमल आराम से रह सकते हैं ये लोग, डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर में आराम से रहते हैं, डेड ऑर्गेनिज्म में आराम से रहते हैं, इसे डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर, ये सब में ऑर्गेनिज्म माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो करते हैं। और इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि एनवायरनमेंट में चेंजिंग आ रहा है, क्लाइमेट ठंडा हो रहा है, गर्म हो रहा है, कोई फ़र्क इसको नहीं पड़ता है, सब जगह ये सरवाइव कर सकते हैं वायरस। जैसे दो तीन एक्टिविटी है, जैसा कि मिट्टी में आप लोग देख सकते हैं, और नहीं मिट्टी बोल रहे हैं, जैसे कि ब्रेड में आप लोग देख सकते हैं, ब्रेड ख़राब हो जाता है तो उसमें भी उत्पन्न होने लगता है वायरस और ग्रे पैचेस आने लगता है। और जिस तरह से जैसे पॉन्ड में आप लोग देखते हैं हरा हरा ऊपर में आ जाता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म ही वो रहता है। और सॉयल में देखते हैं कभी कभी सॉयल में भी काई जम जाता है और फिर कुछ और कीटाणु उत्पन्न हो जाता है, फिर खरपतवार भी उत्पन्न हो जाता है। खरपतवार तो खैर की वैसा प्लांट है जो कि अनयूजफुल है, लेकिन माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी साथ साथ ग्रो करता है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म कुछ कुछ सॉयल के लिए फ़ायदेमंद होता है, कुछ कुछ हानिकारक होता है, लेकिन सब हानिकारक नहीं होता है। इसीलिए केंचुआ खाद उसमें डाला जाता है, केंचुआ खाद फ़ायदेमंद होता है, वो भी एक तरह का माइक्रो ऑर्गेनिज्म है केंचुआ। और भी बहुत सारा लिविंग ऑर्गेनिज्म सॉयल में ग्रो करता है जो प्लांट्स के लिए हेल्पफुल रहता है। और देखते हैं और इसमें क्या क्या है।
वो छोटा टॉपिक था वेयर ऑर्गेनिज्म लिव। ये एक स्मॉल क्वेश्चन है, इंटरनली क्वेश्चन आप लोग बनाइएगा। इंटरनली क्वेश्चन अपने से बनाना है, सब इजी इजी है, हम एक्सटर्नली की खाली करवाएंगे। ओरली क्वेश्चन है, यूज़फुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म कौन कौन, जो हम बताएं, जैसा कि कोई कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ़ायदा होता है, कोई कोई से नुकसान होता है, जैसे यूज़फुल कौन कौन है सॉइल में जो रहता है, ह्यूमन बींग में, जैसे कर्ड में ब्रेड बनाने से पहले ही क्या किया जाता है, मैदा को थोड़ा देर छुड़ा जाता है, उसमें ये विनेगर डाल करके, तो उसमें भी क्या माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो करता है, वो फ़ायदा करता है। और कर्ड में भी जो रहता है वो भी हेल्पफुल है, यूज़फुल है, और चीज़ में भी जो रहता है वो भी यूज़फुल है। इसी तरह से ये सब एक तरह का एंटीबायोटिक का काम करता है, बॉडी का एंटीबैक्टीरियल फंक्शन को इम्प्रूव करता है, जैसे बैक्टीरिया हो गया, फंगी हो गई, ये सब। और बैक्टीरिया क्या करता है, सॉइल फर्टिलिटी को भी इंक्रीज़ करता है। यीस्ट क्या करता है, अल्कोहल, वाइन, विनेगर में होता है, ये भी हेल्थ के लिए अच्छा होता है। और बैक्टीरिया चीज़ पनीर में भी होता है, ब्रेड में फंगस होता है जो कि हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है, कर्ड में बैक्टीरिया होता है जो कि पेट के लिए बहुत अच्छा है। जैसे क्लीन इन्वायरमेंट बैक्टीरिया एंड फंगी होता है, क्लीन इन्वायरमेंट बैक्टीरिया एंड फंगी इन्वायरमेंट को भी क्लीन कर देता है। सीवेज ट्रीटमेंट में बैक्टीरिया रहता है, सीवेज का जब ट्रीटमेंट होता है तो उसमें भी बैक्टीरिया ही है, बैक्टीरिया मेन उसमें यूज़ कर देता है सीवेज ट्रीटमेंट में, क्योंकि वो बहुत सारे छोटा छोटा बैक्टीरिया को बैक्टीरिया खा जाता है। फिर इसको कोई ना कोई फूड बना लेगा, इस बैक्टीरिया को भी कोई ना कोई फूड बना लेगा। जैसे मशरूम और एल्गी हम लोग फूड में इस्तेमाल करते हैं, ये भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो कि बहुत यूज़फुल है। जैसे ये कि आप हम लोग देख लिए हैं सॉइल का फर्टिलिटी इंक्रीज़ कर लिया, और ये नाइट्रोजन फिक्सेशन में भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, नाइट्रोजन फिक्सेशन में जैसा कि बात किया जाए, और एंटीबायोटिक मेडिसिन बनाने में भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म का ही यूज़ होता है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हम लोग फूड भी बना सकते हैं। प्रिपरेशन ऑफ फूड आइटम बैक्टीरिया मेकिंग कर्ड, जैसे हम लोग कर्ड दही को जमाते हैं तो क्या उसमें बैक्टीरिया जमता है, बैक्टीरिया इंक्रीज़ होता है, बैक्टीरिया बढ़ता है, और तो मिल्क को कर्ड में कन्वर्ट कर देता है, बैक्टीरिया ही मिल्क को कर्ड में कन्वर्ट कर देता है, जो कि स्टोमिक के लिए बहुत ही अच्छा माना जाता है, इसमें क्या होता है, मिल्क कंटेंट लैक्टोज होता है, इसमें जो बैक्टीरिया ग्रो करता है उसको हम लोग लैक्टोबैसिलस कहते हैं। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, मिल्क में कौन सा एंजाइम होता है तो हम लोग बोलेंगे लैक्टोज होता है, इसमें जो बैक्टीरिया जो ग्रो करता है उसको हम लोग लैक्टोबैसिलस बोलते हैं, जो लैक्टोज को लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट कर देता है। लैक्टोबैसिलस क्या करेगा, लैक्टोज को लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट करेगा। लैक्टोबैसिलस क्या बोले, लैक्टोज को लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट करेगा, ये हमको याद रखना है। और जो प्रोसेस आता है फॉर्मेशन ऑफ मिल्क का, इट इज़ कॉल्ड कर्डलिंग ऑफ मिल्क, इसी प्रोसेस को कर्डलिंग ऑफ मिल्क भी कहा जाता है। अब मेकिंग चीज़, अब नेक्स्ट क्लास में इतना होगी, आज के लिए इतना ही। चलिए, थैंक यू, नोट्स बनाइए, पढ़ते रहिए अच्छा से, आई होप कि सब समझ में